एक रोड शो दौरान प्रियंका गांधी की हाजिरी के चरणजीत चन्नी ने एक विवादित टिप्पणी की, एक तंज कसा। उन्हें यह कहा कि यूपी बिहार तो दिल्ली तो आने वाले भइयां नूं मूंह नाल आयो, पंजाबीओ पंजाब नूं वोट पायो, जिसते सख्त प्रतिक्रम आने शुरू हो गए ने। इतों तक कि उत्तर प्रदेश बिहार तो भी जिहड़े सियासतदान ने वह भी प्रतिक्रम अपने दे रहे हैं कि जातिवाद दे विच चन्नी वंड रहे ने लोगों, इस करके अजिही टिप्पणी कदे बर्दाश्त नहीं की जा सकती। शर्मनाक शर्मनाक शर्मनाक। जिस सूबे च सवेर शाम सरबत दे पले दी अरदास कीती जांदी होवे, जिहड़ा सूबा सारी दुनिया नूं सर्ब सांझीवालता दा संदेश दिंदा होवे, मानस की जात सबै एक है पहचानवो दा संदेश दित्ता जांदा होवे, जिथे हर धर्म हर फिरके हर वर्ग हर किते दे लोग आपस च मिलजुल के भरावां वांग रहिंदे होवे, उसे सूबे का मुख्यमंत्री जेकर अजिहा मंदभागा बयान दवे, अजिही वाहियात गल करे, तो जनाब उसनू शर्मनाक न कहीए तो भला की कहीए। इस तो विवाद शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री साहब वालों जद मंदभागा बयान दिता जा रहा है, उस वेले उन्होंने नाल कांग्रेस के लिए यूपी चोणों की अगवाई कर रही प्रियंका गांधी भी नाल ही मौजूद सन, पर की उन्होंने वालों इसका विरोध किया गया? चन्नी साहब नूं अजिहा बयान देन तो रोकिया गया, माफी मंगन दे लई किया गया? ना ना जनाब, नहीं। प्रियंका गांधी जी ने तो हामी भर दिया, पहला अपना सिर हिलाया ते फिर कहा कि ताड़ियां मारो ताड़ियां। क्या शानदार बयान दिता है चरणजीत सिंह चन्नी ने। दरअसल पंजाब विधानसभा चोणां नूं लैके सियासत दे दिग्गजां ने पंजाब च डेरे लाए हुए ने, जोर शोर नाल चोण प्रचार किया जा रहा है। ते अजिहे ही एक प्रचार दौरान बीते दिन रोपड़ च प्रियंका गांधी की मौजूदगी च चरणजीत सिंह चन्नी वालों यह विवादित बयान दिता गया। स्टेज तो सीएम चन्नी ने आख्या कि यह जड़े यूपी बिहार अते दिल्ली दे बइये ने, इन्हां नूं इत्थे वड़न नहीं देना। इस तो बाद हर पासे इस बयान का विरोध होना शुरू हो गया। हर किसी वालों सीएम चन्नी के इस बयान शर्मनाक अते मंदभागा करार दिता जा रहा है। अबोहर च रैली नूं संबोधित करदिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम चन्नी के इस बयान की सख्त शब्दों च निखेधी की, सीएम चन्नी नूं याद करवाया कि दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म भी बिहार के पटना विखे होया सी, ते भगत रविदास जी का जन्म भी यूपी दे बनारस च होया सी। इन्हां दी धरती दा ही चन्नी वालों अपमान किया गया, ते जद इह सब कुछ होया उदों चन्नी दे मालक ताड़ियां बजा रहे सी ताड़ियां। कल ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई है, संत रविदास जी की जयंती मनाई है। मैं जरा इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे? क्या संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे? और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे, तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? श्रोमणी अकाली दल के प्रधान अकाली दल बसपा गठजोड़ के मुख्यमंत्री के चेहरे
सुखबीर सिंह बादल वालों भी चन्नी दे यूपी बिहार दे बइये नू पंजाब च ना वड़न देन वाले इस बयान नू बेहद मंदभागा करार दिता गया। उन्हें कहा कि साडा देश एक है, असी सारे इको देश दे वासी हाँ, ते यह बयान बेहद मंदभागा है। जबकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने चन्नी नू पुछे कि वह जानते ने कि पंजाब के विकास च बिहार अते यूपी तो आए लोगों का कितना बड़ा सहयोग रहा है। प्रियंका गांधी ते राहुल गांधी जवाब दे चन्नी दे जवाब च देखो अपना एक देश है, ये अपना एक देश है, आप सारे देशवासी। आप बिहार की कितनी बड़ी बिहार की लोगों की भूमिका है पंजाब, ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग, ये सब मालूम है। हमको तो आश्चर्य लगता है किस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। चन्नी दे इस बयान तो बाद हुण लोगों के जहन च सवाल उठन लग पए ने कि की है कांग्रेस की सोच है, कि इस तरह की सियासत सूबे च करना चाहती है कांग्रेस। फुट पाओ अते राज करो दे फॉर्मूले ते मुख्यमंत्री बनन दा सुपना वेख रहे ने चरणजीत सिंह चन्नी। वैसे सियाने कहंदे ने कि जद किसी पुरजे नू जंग लग जावे तां मशीन आवाज करन लग पैंदी है, ते जेकर अकल नू जंग लग जावे तां जुबान। अगे दसन दी लोड़ तां नहीं, तुसीं आप ही सियाने हो। दसन दी लोड़ तां इह भी नहीं कि चन्नी दा इह बयान पंजाब ही नहीं यूपी दीआं चोणां च वी कांग्रेस नू खासा महंगा पै सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज़।